बेवाना थाने के बॉर्डर पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिले के बेवाना थाने के इस रास्ते दोस्तपुर मार्ग से शराब की तस्करी का कारोबार काफी पुराना है, जहां से शराब विभिन्न माध्यमों के द्वारा शराब की तस्करी करते आए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले शराब की तस्करी रोकने के लिए बेवाना पुलिस ने टीम गठित कर दी है। यह टीम थाना क्षेत्र में तस्करी की गई शराब की आपूर्ति पर नजर रखेगी। बॉर्डर बेवाना थाने पर ही भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अवैध शराब की धरपकड़ के लिए पुलिस विभाग की संयुक्त टीम छापेमारी करने में जुटी हुई है। शराब के अवैध कारोबारियों की कुंडली भी खंगाली जाने लगी है। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर तस्करी कर लाई जा रही शराब की बिक्री का कारोबार बढ़ गया है। माफिया प्रत्याशियों के बताए स्थान पर लग्जरी कारों से ऐसी शराब पहुंचाने के काम में लग गए हैं। इसी के चलते त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले जिले में भी शराब की तस्करी शुरू हो गई है। ग्रामीण इलाके का चुनाव होने की वजह से भावी प्रत्याशियों व उनके समर्थकों ने दूसरे जनपदों से शराब मंगाना शुरू कर दिया है। वोटरों को लुभाने के लिए शराब बांटने का खेल भी शुरू हो गया है। जानकारी के बाद पुलिस विभाग अलर्ट हो गया है। शराब की तस्करी कतई पनपने नहीं दी जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। विशेष टीमें बनाकर निगाह रखी जा रही है। पकड़े जाने पर FIR दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। अवैध शराब की बिक्री के चर्चित एरिया का चक्कर लगाए की लगातार निगरानी की जा रही है। थाना अध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शराब की तस्करी करने में मतदाताओं को शराब पिलाने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अम्बेडकर नगर से हमारे संवाददाता सनी वर्मा की रिपोर्ट, CCTV 24 न्यूज।